नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अपने किलों से जुड़ी हुई सीरीज के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं भारत के राजस्थान के भरतपुर शहर के एक प्रसिद्ध किले जिसे लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किला सभी समय में सबसे मजबूत किलों में से एक रहा है। और इतिहास की माने तो इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, कई बार हमले हुए, लेकिन ये किला अब भी बड़ी ही शान के साथ खड़ा है। इस किले की दीवार को तोड़ने की शक्ति ना तो मुगलों में थी, ना ही अंग्रेजों के पास। इस किले परिसर में कई संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें से ज़्यादातर को जीत के प्रतीक के तौर पर बनाया गया था। किले में एक दिलचस्प संग्रहालय है जो इसके प्रमुख स्मारकों का हिस्सा है। इसके इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। और लोहागढ़ किले का निर्माण मूल रूप से 1730 ईस्वी में महाराजा सूरजमल के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने सारे धन और शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्य के लिए किया था। अगर आप लोहागढ़ किले की जानकारी, इतिहास, वास्तुकला, संग्रहालय और कैसे पहुंचा जाए ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको आज का ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं लोहागढ़ किले के इतिहास की। तो लोहागढ़ किला राजस्थान के शहर भरतपुर शहर के केंद्र में एक कृत्रिम द्वीप पर स्थित है जो पूरे शहर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जा सकता है। इस किले के आकर्षक और भव्यता की वजह से भारी संख्या में पर्यटक किले को देखने आते हैं। और इस किले का निर्माण 1732 ईस्वी में राजा सूरजमल ने शुरू किया था, जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया है। और इसको बनाने में करीब 60 साल का समय लगा। और साल 1805 में लॉर्ड लेक की अगुवाई में ब्रिटिश सेनाओं ने बार बार आक्रमण किया और इसको सेना ने 6 हफ्तों के लिए घेराबंदी करके रखा था। इस किले ने 4 बार ब्रिटिश आक्रमण का सामना किया, लेकिन इसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। लोहागढ़ किले पर 1805 में 9 और 21 जनवरी को 20 और 21 फरवरी को हमले किए गए, जिसमें लगभग 3203 अधिकारी और पुरुष मारे गए जो ब्रिटिश सेना के अधीन थे। बात करते हैं लोहागढ़ किले से जुड़े हुए वास्तुकला की। तो ये किला सबसे टिकाऊ है। इसका सबसे टिकाऊ बिंदु इसकी मिट्टी से बनी हुई मोटी दीवारें हैं जो बिना किसी परेशानी के सभी गोलाबारी को अवशोषित कर लेती हैं। और मुगल और ब्रिटिश सेनाओं द्वारा जो गोलाबारी करवाई गई थी उन सारी गोलाबारी का जवाब इसकी मिट्टी से बनी हुई मोटी दीवारों ने दिया। किले की दीवारें करीब 7 किलोमीटर लंबी हैं और इसे पूरा बनाने में 8 साल का समय लगा था। ऐसा भी माना जाता है लोहागढ़ किला संभवतः माही दुर्ग या मिट्टी के किले से प्रेरित था, जिसके बारे में प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में वर्णन मिलता है। और 1826 में दुर्भाग्य से किले की दीवारों को ब्रिटिश सेना के द्वारा तोड़ दिया गया जब इस पर कब्जा किया गया था। इस किले के आंतरिक दीवारें अब भी जस की तस बनी हुई है। इस किले के अंदर 2 गेट हैं जिसमें एक उत्तर में और अष्टधातु या अष्टधातु वाले गेट के रूप में जाना जाता है। युद्ध के हाथी के गोल घड़ों और चित्रों वाला ये प्रवेश द्वार अपने स्वर्णिम इतिहास का सबूत देता है। इस किले के द्वार की एक रोमांचक कहानी भी है, जिसके अनुसार यह मान्यता है कि ये द्वार प्रारंभ में चित्तौड़गढ़ किले का द्वार था, जो राजस्थान का एक प्रमुख ऐतिहासिक किला है। जब 13वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत शहर को लूटा तो इस गेट को दिल्ली ले गया। जब जाटों ने 1764 में दिल्ली पर हमला किया तो इसे दिल्ली से निकाल लिया गया और इसको अपने साथ वो भरतपुर लाए। किले के दक्षिण ओर वाले द्वार को चौबरजा या 4 स्तंभ वाला द्वार भी कहा जाता है। इसको भी उसी तरह बनाया गया है। यहाँ स्थित बलुआ पत्थर का दरबार या महाराजा का मीटिंग हॉल, जिसे कह सकते हैं, पर्यटकों को अपनी बारीक नक्काशीदार दीवारों, अपनी अद्भुत वास्तुकला, स्तंभों और मेहराबों से मोहित करने में सफल होता है। लोहागढ़ किले के महलों की बात करें तो यहाँ पर 3 महल स्थित हैं, जिसमें महल खास, कामरा महल और बदन सिंह के महल शामिल हैं। इस किले में संरचना और अन्य स्मारक जैसे किशोरी महल, महल खास और कोठी खास भी शामिल है। इसके साथ यहाँ पर जवाहर बुर्ज,
फतेह बुर्ज जैसे टावर भी स्थित हैं। इन टावरों को मुगल और ब्रिटिश सेना पर जाट की विजय का स्मरण बताया जाता है। खास बात यह है कि महल खास का निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया था, जो 1730 और 1850 के दौरान किलों द्वारा बनाए तीन महलों में से एक था। इस महल में घुमावदार छत और बालकनी है, जो शानदार नक्काशी से बने हुए हैं, जो जाट शैली की विशेषता भी कही जा सकती है। लोहागढ़ किला के संग्रहालय की बात करें तो कामरा पैलेस किले की एक खास जगह है, जो किले के सभी कवच और खजानों को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसको एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। और इस संग्रहालय में जैन मूर्तियां, एक यक्ष की नक्काशी, हथियारों का संग्रह और कई पांडुलिपियां मौजूद हैं, जो अरबी और संस्कृत में लिखी गई हैं। इस पैलेस में छोटे कक्ष और अलंकृत पत्थर की खिड़कियां हैं, जिसमें सुंदर पैटर्न के संगमरमर के फर्श हैं। और इस संग्रहालय की अन्य प्रदर्शनियों में भगवान शिव की नटराज और लाल बलुआ पत्थर शिवलिंग के रूप में एक सुंदर नक्काशीदार मूर्ति भी है। अगर बात करें यहाँ जाने की, तो राजस्थान के लोहागढ़ फोर्ट जाने का प्लान है, तो यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक अगस्त और सितंबर के महीनों में होता है। वहीं आपको बता दें, लोहागढ़ किला भरतपुर शहर से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, और भरतपुर शहर राज्य के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा है। भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर से भी भरतपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। देश के उन सभी प्रमुख शहरों से आप भरतपुर के लिए ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। वहीं भरतपुर कई राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से कई शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो ये थी बात भरतपुर के लोहागढ़ किला की। ऐसे ही किसी किले की बात करेंगे अपने इस सीरीज के आने वाले अंक में, तो देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।